नजरें नहीं मिलती थी, मुलाकात रोज होती थी, नजरें नहीं मिलती थी, दूर से जब मैं देखता था तो बात करने में मजा मुलाकात रोज होती थी, नजरें नहीं मिलती थी, दूर से मैं देखता था बात करने में मुझे आज भी याद है, सेमेस्टर के दिन आ गए थे एंड आई कॉल में हम दोनों के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट सेम होने से सीटिंग अरेंजमेंट उनको पास पाते हम तो बच्चे स्कूल किसी को टॉप करना था तो किसी को बैकलॉग बचानी थी, मुझे तो भैया उन्हें चीटिंग करानी थी और अपनी आशिकी निभानी थी। आंखों ही आंखों से इशारे होते थे, कभी उंगलियां कभी ठोकर उसे बुलाने होते लोगों को, वहां चीटिंग के नजारे होते थे पर वहां मेरी मोहब्बत के अफसाने होते थे। लेकिन वो अफसाने अफसाने रह गए और हम सेमेस्टर दर सेमेस्टर बस उन्हें चीटिंग कराते ही रह गए, धीरे धीरे वो कभी और किसी और के हो गए होते रह गए। लेकिन इस पोल्ट्री से भी मेरा इंटेंट है आपको ये समझाने का, अगर हमारा एक तरफा मोहब्बत होता है उसको डायरेक्शन सही दी जाए तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। आगे सुनिए। हाँ, टेढ़ी पुलिया के चौराहे पे ठीक 4 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। टेढ़ी पुलिया के चौराहे पे 4 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि दुनिया में अगर उससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत चीज है तो वो उनकी बेटी है। दोस्त रोज उनकी उंगलियों के साथ खेल रही थी, लेकिन दोस्त सुनना इसको बहुत सीरियस टोन में, और उस रोज मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि एट टाइम्स इट्स नॉट अबाउट बीइंग सक्सेसफुल इन लव, इट्स अबाउट बीइंग इन लव। और अब ये तड़पता हुआ शेर आ रहा है सभी के लिए। उस रोज मुझे इस चीज का एहसास हुआ हर बार की तरह कि आज फिर देखा उन्हें एक अरसे बाद, आज फिर देखा उन्हें एक अरसे बाद, अब एक और अरसा सुकून से गुजर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे चाय कितने लोगों को पसंद है? चाय चाय और फरमाइएगा, लबों के वो करीब है दिल के वो अजीज है, लबों के वो करीब है दिल के वो अजीज है, वो चाय तुम्हारे लिए है मेरे लिए वो जिंदगी है। चाय क्या है, चाय क्या है, ऐसी चीज तो बिना वजह के बहुत अच्छी लगती है, मेरी जिंदगी की सबसे अजीज वजहों की सबसे खूबसूरत सी वजह लगती है। चाय की रिलेशनशिप कई चीज के साथ अच्छी लगती है, कभी समोसे का कभी मठरी, और एक सिगरेट ही है जो चाय के बिना अधूरी है। एग्जाम में जगने के लिए चाय एक जरूरत सी लगती है, मेरी जो दोस्त उस रात तमाम मिन्नतों के बाद चाय बनाती है वो किसी फरिश्ते से कम नहीं लगती। इसके बाद एक बार फिर मैं वालिद साहब पे जिक्र करूंगा, कितने लोग यहाँ पे अपने पापा से प्यार करते हैं, गिव मी अ चीयर। लोग यहाँ पर अपने वालिद साहब का नाम रोशन करने आए हैं, गिव मी अ चीयर। आपकी खुशी के लिए अपनी हस्ती फराह कर जाऊंगा, ऑल द प्राउड फादर ऑफ आवर फैमिली, आपकी खुशी के लिए अपनी हस्ती फना कर जाऊंगा, पापा जितना आपने किया है मेरे लिए इसकी वजह से जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बड़ा कर जाऊंगा। दोस्तों अभी आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग जॉब वाले सेक्टर में जाएंगे, उस जॉब वाले सेक्टर का मैं दर्द आपके सामने रखूंगा, सिर्फ सोचकर तेरे बारे में रोने का मन करता है, सिर्फ सोचकर तेरे बारे में रोने का मन करता है, माँ इस पैसा कमाने की धुन में तेरी गोद में सोने का मन। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, शख्सियत एक उर्दू का अल्फाज है, शख्सियत जैसे कहते हैं पर्सनैलिटी, उसमें एक शेर अर्ज है कि उस शख्सियत को कभी दर्द ना देना है दोस्तों, जो बनाने को तुम्हारी शख्सियत अपनी शख्सियत मिटा देती है, उस शख्सियत को कभी दर्द ना देना है दोस्तों, जो बनाने को तुम्हारी शख्सियत अपनी शख्सियत मिटा देती है, हंसी उसकी शख्सियत में रवा कर देना जो पैदा कर देना, जो जैसी शख्सियत को दर्द से कहरा उठती है। अच्छा दोस्तों एक मैंने जान पे लिखा था, जान पे और बनवाइए, हमारे आपके बीच की कहानी है, जिनके आने से जान आ जाती थी, जिनके आने से जान आ जाती थी, यकीन मानिए
उनका जाना जानलेवा। अरे वाह। अच्छा अभी अपन कहते हैं अपने ग्रेजुएशन मेरी लखनऊ से ही थी, तो आप होता है ना कभी बार हमारी जिंदगी के बहुत अजीज जो लम्हे होते हैं वो किसी शहर किसी जगह में गुजरे होते हैं, और जब दोबारा उसी शहर उसी गलियों में जाते हैं तो हमें पुराना समय याद आने लगता है। उस फील को मैंने लाइन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है, रिलेट करिएगा। ये शहर आज खूब चिल्लाया करता है, इंडिया में जाने के बाद जो आपके मसले हाथ हैं यहाँ पे जब आप निकल जाएंगे तो ये मूवमेंट याद आएंगे। ये शहर आज खूब चिल्लाया करता है, सुनो किसी रोज चलो वापस वो चौराहा तुम्हें फिर से बुलाया। सो एक मेरी बहुत ही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अभी जो मैंने पोएट्री है ना उसको सुनने की देखने की जरूरत ना करिएगा, बस महसूस करने की जरूरत करिएगा, और इसके लिए थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। इसमें मैंने ये मेरा जो नया मेरा टॉपिक शुरू है उसका एक एपिसोड है, इसका नाम है तुम क्या हो, ठीक है, तुम क्या हो। ये मैं अपनी पोएट्री के जो सुनाऊंगा रिलेट करना, अपनी जिंदगी के उस इंसान को याद करिए जो आपकी जिंदगी में अजीज तो बहुत है पर करीब बिल्कुल भी नहीं। बात आई तुम क्या हो, तुम क्या क्या हो पर तुम पास क्यों नहीं, तुम क्या हो, तुम क्या क्या हो पर तुम पास क्यों नहीं, मेरे डायरी के पन्नों पर लिखे अल्फाजों की स्याही हो तुम। मेरे गूगल ड्राइव पर अपलोडेड उन चुनिंदा डॉक्यूमेंट में से तुम्हारी तस्वीर का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तुम। मेरे बिस्तर से जाने के बाद कई रोज तक इस बिस्तर पर आने वाले मेरे वॉलेट में रखे हैं, मेरे वॉलेट में रखे हैं मम्मी पापा के अलावा पासपोर्ट साइज की क्यूट सी पिक्चर होती है। कम से कम मेल ही हो जाए पूरे दिन इस खुशनसीबी का इंतजार होता। मेरे हर न्यू ईयर की पहली कॉल हो तुम और हर 31 दिसंबर को तुम्हारी कॉल आखिरी हो इस बात की आखिरी उम्मीद हो तुम। इस चीज को बात से सुनिएगा, मेरे WhatsApp पे मैसेज करने के बाद उसके ब्लूटूथ होने का इंतजार। तुम्हें याद है वो तो हर रोज मैं तुम्हारी गली आया करता था और तुम बालकनी पर आ जाया करती थी, मैं नजरें मिलाया करता था और तुम मुस्कुरा दिया करती थी, मुस्कुराया तुम करती थी और खुश मैं हो जाता था, वो खुशी और मुस्कुराहट का डेडली कॉम्बिनेशन होता। ये वाले आप सब लोग रिलेट करेंगे अगली जो लाइन है, वो जो हर बार मेरी बर्थडे पे तुम पूछा करती थी कि मोनेस तोहफे क्या लोगे तुम, वो तो हर बार मेरी बर्थडे पे पूछा करती थी कि मोनिस तोहफे क्या लोगे तुम, तो तुम सुन लो तोहफे कीमती पसंद है मुझे, एक काम करना अगली बार थोड़ा वक्त ले आना तुम। दरअसल दोस्तों बात ये है तुम क्या हो, तुम क्या क्या हो, क्या हो जिंदा क्यों नहीं तुम, मर गई क्या मौत के फरिश्ते मुलाकात तुमसे करने आए रूह मेरी ले गई थी, कब्र में दफन होने के बाद तुम थी खामोश मुझे क्यों कर गई थी। रोना नहीं, आज अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या हो तुम तो मैं बोल देता हूँ फितूर हो तुम, फुरूर हो तुम, फुरूर हो तुम, फुरूर हो तुम, अजूद हो तुम, सिर्फ याद नहीं जिंदगी हो तुम। तो क्या हुआ तुम मेरे पास नहीं, दरअसल बात सिर्फ इतनी सी है साथ हो तुम। तेरी याद में बहुत धुआं फूका है, तेरी याद में बहुत धुआं फूका है, सुनो प्यार एक धोखा है। प्यार क्या है ये समझने के लिए जिंदगी का बहुत लंबा अरसा गुजरा है, बहुत कुछ पाया बहुत कुछ खोया, मेरा जिंदगी का सबक चौथा है क्योंकि प्यार एक धोखा है। दोस्तों हमारी मुलाकात का सिलसिला काफी से कम हो गया था, दरअसल क्योंकि उसकी मुलाकात का सिलसिला कहीं और हो गया था। मैं तो उसके साथ रहता था पर उसका ध्यान हमेशा उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ होता था, और होता भी कैसे ना, तूने दिया उसको ये मौका है और देती भी कैसे ना, क्योंकि प्यार एक धोखा है। पर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मोहब्बत तू मेरी किसी सजा का हकदार नहीं, तुझे मैंने अपनी नजरों से गिरा दिया, तेरे औकात के लिए इतना ही काफी है।
And now I like to end up with the most, I should say, it is the most emotional issue which is going nowadays in our country, in our society. सीरिया पे जो इस टाइम जुल्म हो रहे हैं हमारे आपके बीच के लोगों के लिए उनके मैंने उनके लिए कुछ लिखा है और इस स्टेज के माध्यम से इस स्टेज के थ्रू मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि असर मगरिब ज़ोहर इशा तहज्जुद कोई भी नमाज हो उसमें उन लोगों का नाम आप जरूर रखें उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैंने उनके लिए कुछ लिखा है ताकि आप रिलेट कर पाओ कि माँ की कोख में बच्चों को मरते हुए देखा माँ की कोख में बच्चों को मरते हुए देखा है मैं सीरिया हूं यहां मैंने बाप की छाती को कब्र बनते देखा है बच्चों को मरते हुए देखा है हाँ मैं सीरिया हूं यहां मैंने बाप की छाती को कब्र बनते देखा है सो इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल द बिलव्ड पीपल व्हिच आई एम लिसनिंग मी राइट नाउ प्लीज उन लोगों को दुआ में याद रखिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुआओं से बढ़ के कुछ नहीं है और एक चीज और याद आई इससे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिंदगी में कि जिसको दुआ तक मैं ना मांग सकूं उस मजबूरी का नाम है वो तो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू एंड अप विद दैट पोएट्री व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट इट्स नॉट माइन बस वो ये मैं बताता हूँ क्या है जिसको दुआ तक मैं ना मांग सकूं जिंदगी के मसलियात कुछ ऐसे हैं किसी को लेके कि जिसको दुआ तक मैं ना मांग सकूं उस मजबूरी का नाम है और यहाँ पे जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिस भी फील्ड में है उनको मैं गुड विशेस दूंगा फॉर देयर फ्यूचर और एक चीज मैं हमेशा याद रखिएगा कि मिल गई तरक्की तो फक्र महसूस करिएगा या फिर मिल गई अगर मकबूल है तो फक्र महसूस करना ना मिली अगर तरक्की तो दोस्तों याद रखना सब्र करना एंड एट लास्ट ये मुझे बहुत पसंद है लाइन्स कि सितारों को आंखों में महफूज कर लीजिए और दूर तक रात ही रात होगी मुसाफिर हूं मैं भी मुसाफिर हैं आप भी फिर कभी किसी कॉलेज में मुलाकात होगी तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस एंड इफ यू लाइक माय वर्क काइंडली गिव अ थम्स अप ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल बोनस एंड